चमोली में लॉकडाउन के चलते इस बार विद्युत विभाग गुप्तेश्वर राज्य वसूली नहीं कर सका है। आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग को 7.5 करोड़ का टारगेट दिया गया था, जिससे संपेक्ष विभाग ने लॉकडाउन से पहले 4.5 करोड़ से ज़्यादा वसूली कर ली थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते वसूली नहीं हो पाई। विद्युत विभाग के अधिवंशी अभियंता कैलाश कुमार का कहना है कि विभागों में लाखों का बकाया बाकी है, लॉकडाउन के चलते वसूली नहीं हो पाई, जल्दी विभाग को रकम वसूली की उम्मीद है। मार्च 2020 में जो विभाग को टारगेट मिला था वो था 7.5 करोड़ का, और मार्च 2020 तक 4.58 लाख रुपए विभाग ने वसूले, लेकिन लॉकडाउन के चलते टारगेट पूरा नहीं हो पाया। 24 मार्च 2020 में लॉकडाउन लागू हो गया था, तो इसके बाद वसूली नहीं हो पाई। अब लेकिन वसूली का टारगेट चल रहा है।